तो बहुत दिनों के बाद आज मैं मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली बीच में क्या हुआ था, बहुत बार तो मैं कोशिश किया था लेकिन पेट्रोल की जो कीमत है वो इतना बढ़ चुका है कि मुझे तो डर लगने लगा है कि अभी दोबारा से कैसे करूँ मोटर ब्लॉगिंग। पहले तो 80 था, अभी 100 हो गया। चलो कोई नहीं, अभी मैं फिर से VIP रोड को थोड़ा सा कवर करूँगा। और ये है नेशनल हाईवे 12 जो पहले नेशनल हाईवे 34 था, और ये माइकल नगर है। तो यही से सीधा मैं तो सेक्टर 5 जाऊंगा। अभी सिग्नल है, अभी रोड को देखकर आप लोगों को ऐसा लगेगा थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसकी बड़ी वजह है ये जो नेशनल हाईवे 12 है, इसको 2021 में फिर से रीबिल्ड या फिर डेवलपमेंट या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था, जिसके वजह से अभी इस तरह का रोड बनाया गया है। लेकिन ये 4 लेन का रोड है और यहाँ पे कोई टोल वगैरह चार्ज नहीं होता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अभी सर्विस लेन होता है, लेकिन अगर आप सर्विस लेन भी बहुत सारे जगह पर नहीं होगा तो तब आपको ये जो नेशनल हाईवे है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिटी के भीतर अगर आप इस्तेमाल करोगे और उसमें भी अगर टोल देना पड़े तो जहर सी बात है कि आपको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। और अभी तो सिर्फ दोपहर की वक्त है, तो यहाँ पे जो मेट्रो है उसका काम चल रहा है। ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो नीचे से जाएगा तो उसी का काम चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा है सेनबो इंजीनियरिंग लिमिटेड, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और लेफ्ट साइड में है एयरपोर्ट। चलो फिर से स्टार्ट हो गया। ये जो रोड है ये सच में बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन एक जगह है जो बाराशत से थोड़ा सा पहले, वहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ तो आप देखकर यकीन नहीं करोगे वो नया बनाया है। बिल्कुल बीच बीच में बहुत सारे पोर्टल्स बन गए हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, वो आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये नए बने हैं। अभी वो वहाँ पर एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी एयरपोर्ट का भी एक काम था जिसमें ये डबल रनवे का शायद काम था, लेकिन वो प्रोजेक्ट हुआ या नहीं हुआ अभी तक मालूम नहीं है। अगर वो बन जाएगा तो एक ही साथ लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों हो पाएगा। वैसे ये गौरीपुर है और इसके आगे हम बीआरटी में पहुँचेंगे। वैसे सबसे बड़ी परेशानी तो एयरपोर्ट के जो क्रॉसिंग है वहीं पे, और यहाँ से शियालदा 16 किलोमीटर है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 50 का एक एवरेज स्पीड रखूँ, क्योंकि हेलमेट तो पहनना मैंडेटरी है, नहीं तो बहुत बार ऐसे वीडियो में मैं देख चुका हूँ कि बहुत जगह पे इस तरह का एक्सीडेंट होता है कि हेलमेट भी सर से खुल के बाहर गिर जाता है, और तब तो उस बंदे की हालत तो मतलब कहने लायक भी नहीं है। और यहाँ पे ये बीआरटी है, बहुत धूप है, देखकर लग रहा है पूरा गर्मी का माहौल है। वैसे अभी ठंडे आने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेट्रोल का दाम घट जाए तो ही मेरे लिए बेहतर है। और आज कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ा सा अनकट तरीके से बनाने की। वैसे मैं 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे बना रहा हूँ वीडियो। और नेशनल हाईवे पीछे ख़त्म हो गया, ये अभी PWD रोड है जो दोबारा बनाया गया है, नहीं तो उस तरफ का जो रोड है उसका कंडीशन बहुत घटिया सा हो गया था। और दोपहर की वक्त है इसीलिए थोड़ा सा खाली खाली सा है।
तो देखते ही देखते हम लोग ढाई नंबर गेट पे चले आए। ये एयरपोर्ट की ढाई नंबर गेट है और सीधा जाओगे तो एक नंबर गेट। वैसा XUV 700 बहुत दिनों के बाद देखने को मिला मेरे सामने है। बहुत लकी है क्योंकि इसको XUV 700 मिल गया और महिंद्रा का नया लोगो। इस गाड़ी की जो खासियत है वो सिर्फ इतना ही है कि इसमें ऑटो पायलट मोड है जैसे टेस्ला में होता है, बिल्कुल उसी तरह का। राइट साइड से निकल रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये पुराना वाला है। नए वाले के तो अभी 2 साल का टाइमिंग है वेटिंग लिस्ट। वैसे XUV 700 और जो नया स्कॉर्पियो वे आया है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें एक जो ऑटो पायलट मोड होता है या फिर मतलब बिना ड्राइवर के भी चल सकते हैं, ड्राइवरलेस का जो मोड है वो इसमें है। और बाकी सब मैं तो इस बार बहुत खुश हूँ महिंद्रा का ये काम देखकर, क्योंकि पहले वाले जो स्कॉर्पियो था उसमें बहुत ज़्यादा सीसी था, इंजन बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, 2199 थे शायद, और लेकिन उसमें इंजन का जो हॉर्स पावर था वो बहुत घटिया सा था, शायद 140 या फिर उससे भी कम था। जो अभी मेरे पीछे आ रहे हैं ये VIP कार है, देख सकते हो ये VIP कार है, ये बहुत घटिया सा था। लेकिन नए वाले में जो है उसमें इंजन में अभी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसमें अगर आप जानते हो इंजन को इसी तरह से नापते हैं कि उसका पावर कितना होता है। नए वाले में शायद 170 PS BHP है जिसे हॉर्स पावर कहते हैं। ये जो XUV 700 है उसमें भी 170 का BHP है और CC अभी 2000 के आसपास है, 1990 या फिर 99 है इस तरह का। और ये है VIP रोड। इस बार मैं इसीलिए अनकट बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैं आगे सिर्फ बागुहाटी तक कवर करूँगा, क्योंकि उसके आगे मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ। सेक्टर 5 अगर जाना हो तो शॉर्टकट ही बेहतर होता है सभी के लिए। और यहाँ पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है और ऊपर से सामने रेड सिग्नल है। चलो सिग्नल भी ठीक हो गया, आई होप ऑडियो ठीक ठाक से आ रही है। ये देख रहे हो बहुत पिलर अभी तो बन गया है लेकिन बहुत वक्त लग रहा है। मैं थोड़ा सा इस ट्रैफिक को क्रॉस करके आगे निकलता हूँ। तो वापस से अभी ट्रैफिक तो ऑन हो गया, लेकिन एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट का काम है ये बहुत स्लो हो रहा है और ये लेफ्ट साइड में अभी ऑन खुला दिया। इससे पहले ये थोड़ा सा जगह कम था, इसी वजह से यहाँ पे शायद जो छोटा मोटा गार्डन होता है उस तरह का जो राइट साइड में आप लोग देख रहे हो इसी तरह का यहाँ पे बना था। अभी इसको तोड़ के बिल्कुल नया तरह से रोड बना दिया ताकि लोग इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत अच्छा काम है और अभी मेट्रो का काम कब तक ये ख़त्म होगा ये भी देखने लायक है। सभी का कहना है अभी 6-7 साल और लग जाएंगे क्योंकि बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है ये मेट्रो का काम। अभी दोपहर के वक्त है तो आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, और आगे दिवाली आने वाले है। वैसे VIP रोड का अगर सुबह का ट्रैफिक देखोगे तो सच में बहुत ट्रैफिक होता है सुबह। अभी तो दोपहर के वक्त इतना बास दिख भी नहीं रहा है।
और सच में एक बात तो मतलब वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोगों के लिए कहना पड़ेगा कि इस स्टेट का कब कुछ होगा देखने लायक है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि वेस्ट बंगाल के हालत इतना ख़राब क्यों है या फिर कब ये सुधार होगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं तो एक ही चीज़ क्या कहूँगा सबको, अभी तो धैर्य रखने की ज़रूरत है क्योंकि सच में वेस्ट बंगाल की हालत तो सुधर नहीं रहा है बल्कि और भी बिगड़ रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ इसीलिए बहुत सारे लोगों को कड़वा भी लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं इसीलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल से जितने भी लोग अगर उनका वीडियो देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के बारे में अच्छी अच्छी बात कहोगे तो वो लोग ज़रूर उनका वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और मैं तो कड़वा बोलता हूँ इसी वजह से मेरा वीडियो तो यूट्यूब में ही ब्लैकलिस्टेड है। आगे क्या बताऊँ, यूट्यूब में मेरा वीडियो 1000 या फिर 2000 व्यूज़ के बाद उसको डाउन कर दिया जाता है। तो यूट्यूब ये खुद करता है, किसी किसी बहुत सारे यूट्यूबर को प्रमोट करते हैं और हमारे जैसे नए यूट्यूबर की तो वाट लगा के छोड़ देते हैं कि करते रहो करते रहो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तब शायद यूट्यूब के प्रमोशन जो लिस्ट होता है उसमें अगर नाम आ जाए। तो ऊपर से फ्लाईओवर, और इस बार मैं फ्लाईओवर पे इसलिए नहीं चला क्योंकि मुझे बागुईहट्टी से या फिर इससे आगे केष्टपुर से मुझे लिफ्ट लेना है। यही बागुईहट्टी है और इसके आगे वाले स्टॉपेज केष्टपुर। ये देखो वॉल्वो 8400। और यहाँ पे इतने सारे बस खड़े हैं, देख कर लग रहे थे सिग्नल बंद है, आगे वाले सिग्नल बंद है। चलो ऊपर से जाऊंगा तो थोड़ा सा गर्मी तो लगता। ये L238 है, 238 सबसे फेमस बस है इस रूट का जो बारासात से हावड़ा के बीच में चलती है। अभी गर्मी लग रही है। थोड़ा सा इस सिग्नल को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो जब भी सिग्नल ऑन होता है जो लोग पहले रहते हैं उन लोगों के साथ तो हमेशा एक रेस जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन ये तो बिधन नगर सिटी कमिश्नरेट है, लेकिन आप लोगों को सच बताऊँ तो मैं इसे लेफ्ट लेने वाला हूँ। अगर आप कोलकाता पुलिस का जो EM बाईपास है वहाँ पर जाओगे तो 50 के ऊपर उठाओगे तो वहाँ पर तो सब ट्रैफिक सर्जेंट होता है, तो आगे वाले सिग्नल में तुरंत आपको रोक लेंगे कि आपका सिग्नल पर स्पीड 50 से ऊपर था, इसी वजह से एक चालान बनेगा और उसको आपको वहाँ पे तुरंत भरना भी पड़ता है, नहीं तो वो लोग लाइसेंस रख देते हैं, जब तक आप वो पेमेंट नहीं करोगे तब सब वो लाइसेंस नहीं देते हैं। वैसे यही से शॉर्टकट है सेक्टर 5 अगर जाना चाहते हो तो अभी यहाँ से सीधा इसको क्रॉस करके सॉल्टेक के सेक्टर 2 में जाना पड़ेगा। तो वहाँ से सीधा आने के बाद बीच में एक छोटा सा मिनी फ्लाईओवर था जिसको लेकर मैं आ चुका हूँ सेक्टर 2, और सेक्टर 2 को क्रॉस करने के बाद आगे है सेक्टर 5। तो मैं आज सेक्टर 5 जा रहा हूँ जिसके वजह से वो फ्लाईओवर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, सच में कमाल का बनाया है क्योंकि पुराना जो फ्लाईओवर था वो टूटा था, उसके जगह पे नया बनाया है। और इससे क्या होगा, वक्त भी बर्बाद नहीं होगा और अब जल्द से जल्द पहुँच पाओगे। अगर आपको बस से आना है तब तो 24 किलोमीटर लगता है क्योंकि सारे बस न्यू टाउन होके आते हैं।
तो यहीं से आगे सीधा हम जुड़ेंगे। तो इस तरफ मेट्रो काम चल रहा है और हमें इस तरफ जाना है सेक्टर 5। शायद यहाँ पे स्टेशन भी होंगे जिसके वजह से इस तरह का दोनों साइड पिलर बना है। और यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाई तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ज़िंदगी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मुझे राइट साइड में जाना है और राइट साइड यहाँ पे अलाउ नहीं है। राइट साइड एंड यू टर्न दोनों यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और बहुत लंबा हो गया वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट्स पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।